सबसे पहले तो मैं मेरे जो बड़े भाई इस्माइल दरबार, अली खान साहब, दिलीप साहब, सब बड़े बड़े दिग्गज लोग आए हुए हैं, अनु जी सुपर मॉडल शो, और भी बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं। आई फील ग्रेटफुल टू अनाउंस दिस एंड आई फील वेरी वेरी हम्बल। शमीम भाई मेरे बहुत पुराने दोस्त है और पहली बार हमारी मुलाकात ही अवार्ड लेने से हुई थी। उन्होंने हमें बुला के अवार्ड दिया, प्यार दिया, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद तो फिर मुझे अवार्ड मिलते ही गए। और 3 साल में जरा अमेरिका टूर पे गया था, इसलिए फिर वो 3 साल अवार्ड मिला नहीं मुझे, लेकिन अभी मेरे को 4 अवार्ड मिलेंगे ना भाई, इंशाल्लाह। हाँ, तो 3 साल के वो और 1 साल का ये, सो आई एम गोना गेट अ 4 अवार्ड। और मैं क्या कहूँ आपको, मैं बहुत खुश हूँ कि ताइफा होने जा रहा है, 27 अप्रैल को हो रहा है, और वापस से सारे दोस्त, सब एक्टर्स, सब डायरेक्टर्स, सब लोग मिलेंगे, और बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है किसी की शादी है। मैं तैयारी इतनी नहीं करता हूँ, आई एम अ स्पॉन्टेनियस गाय। तैयारी करने से आदमी भूल जाता है, स्पॉन्टेनियस जो चीजें आती है दैट्स बेटर एक्चुअली। सो आई बिलीव इन दैट, आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा इंशाल्लाह, और यू गोना लव इट। यस, आस्क मी एनीथिंग, मैं आंसर करती हूँ, आप पूछिए कुछ। अच्छा, एक्साइटमेंट, ऑफ कोर्स आई एम वेरी मच एक्साइटेड, एंड ये इंटरव्यू के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड आई एम स्पीचलेस बिकॉज ताइफा जैसा ब्रांड लॉन्च हो रहा है, एंड टक्कर देगा आइफा को डेफिनेटली। और एजाज आप बोलिए। शी इज लिटिल नर्वस, यू नो, मेरे बाजू में कोई भी लड़की बैठ के नर्वस हो जाती है। आई एम नर्वस, नर्वस आ गए हो। और पिछले 11 सालों में लगातार होता रहा, जितने भी यहाँ लीजेंडर्स बैठे हैं सब इस बात की गवाह हैं। और हम लोग मार्केटिंग करते हैं, मार्केट में अपनी काबिलियत को दिखाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड को लाके इंडोर्स करते हैं, और उभरते हुए सितारों को और लीजेंडरीज को उनको आगे लेके आके और उनकी काबिलियत को वापस से फ्लोर पर रखते हैं ताकि उनको लोग भुला ना दे। तो जहां एक तरफ बहुत बड़े बड़े सितारे हैं, वहां हमारे जैसे लोग सच्चाई के पैरोकार हैं जो उनको लेके चल रहे। चैलेंजेस बहुत आते हैं लेकिन सत्यमेव जयते, तो सत्य की जीत होती है। और हम सब लोग लगातार करते आ रहे। आपको मालूम है कि गांव मेरा बहुत बड़ा अवार्ड एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड, और वो कलाम साहब के फाउंडेशन में सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से मैं लगातार करता चला, बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड है। अभी लास्ट विज्ञान भवन में हुआ दिल्ली को, उसको भी मैं ही कन्वेंट करता हूँ, संयोजक मैं ही रहता हूँ। तो ये अवार्ड सच्चाई पर है, और जब भी किया है दिल से किया है, आप लोगों के साथ और सपोर्ट से। अवार्ड में कोई बिक्री और सेल का हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है, हम लोग मार्केटिंग करते हैं ब्रांड को इंडोर्स करने के लिए। आप सब बड़े स्टार जब होते हैं उनकी ब्रांड को वैल्यू मिलती है, ये खड़े होते हैं, पीछे लोगोस होते हैं, उनको ब्रांड को जनता जानती है। आप लोग माध्यम बनते हैं, मीडिया के भाई हमारे सब, और लोग आते हैं। आज के दिन में अवार्ड शो सच्चाई पर करना थोड़ा टफ है, जो आपने कहा वो सवाल ठीक है, लेकिन जो सच है वही जीतेगा, बाकी जो लोग उस तरह से हैं वो एक ना एक दिन उनकी दुकान बंद होगी। दिलीप जी, मैं सिलेक्शन देखिए, सबसे पहले तो ताइफा को मैं इस बात की बधाइयां देना चाहता हूँ कि लोग यहाँ 1 साल 2 साल भी नहीं देख सकते, 12वां अवार्ड होने जा रहा है, इसके लिए सबसे पहले तो बधाइयां। और आज तक इन्होंने जिनको भी अवार्ड दिया है उनकी काबिलियत को ही दिया है, और ये सच बात है कि जो लुक होते जा रहे थे उनको भी ये आगे लाए, और जो अपकमिंग है उनको भी ये आगे लाए। तो मतलब इस अवार्ड के अंदर दोनों तरफ से सच्चाइयां हैं, और उस सच्चाई के लिए मैं शमीम साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और मीडिया को भी यही कहना चाहूंगा कि हमेशा जब भी दिखाओ सच्चाई दिखाओ, ताइफा को आगे लाओ। अली जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर बहुत सारे जो गुमनाम जिंदगी में चाहे टैलेंट किसी भी टैलेंट क्षेत्र को हो, अगर उनको आपसे जुड़ना चाहे तो किस तरह जुड़ेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहे अवार्ड के लिए या किसी चीज के संपर्क में? देखिए भाई, ऐसा है कि इन्होंने तो पहले ही बता दिया कि जितने लोग हैं जिनको लोग अवार्ड नहीं देते हैं, जिनको लोग फ्रंट पे नहीं लाते हैं, उन जैसे कलाकारों को ये घर से निकाल के लाके अवार्ड देते हैं, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े होटलों में अवार्ड देते हैं सच्चाई के हिसाब से। और 12 साल आप क्या समझ रहे हैं, अगर कोई कोई भी जरा सा भी गलती होती तो अब तक लगने को सिमट जाता। तो 12 साल अवार्ड देना, बड़े बड़े लोगों को बुलाना, ये कोई आसान काम नहीं। दिल्ली से रह के मुंबई में आकर के ऑनेस्टली सारा काम करना,
तो हम लोग तो सब जुड़े हुए हैं, लेकिन और भी बड़े सारे लोगों को ये बुला बुला के उनकी काबिलियत पे देते हैं। और एक बात मैं आपकी उसको जवाब दे देता हूँ कि किस तरह से माध्यम होगा लोगों को जुड़ने का, तो माध्यम सोशल मीडिया सबसे बड़ा है, आप है और हम लोगों के टेलीफोन नंबर सब उसके ऊपर है और हमारी टीम रिसर्च पर लगी रहती है और जब रिसर्च करके लोग आते हैं तो हमारे अली भाई आप दिलीप साहब सब इंडोर्स करते हैं कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद उनको ऑनर किया जाता है। आप भी हमारे माध्यम बने, अगर आपको भी कोई दिखाई देता है कहीं तो आप उनका नाम रिकमेंड कर सकते हैं, हम हमारी जूरी के सामने हम भेजते हैं, देखिए ये नाम है, आप लोग कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, इनको प्रमोट करो तो तरीका बनता है। 27 पिछले 25 सालों से, जिसका नाम परवाज मीडिया ग्रुप है और टाइफा परवाज मीडिया ग्रुप का ही एक विंग है, इससे ब्रांड विंग है, तो इनिशिएटेड बाय परवाज मीडिया ग्रुप है, जैसा कि इजाज भाई ने बताया दिल्ली में भी ये वार्ड अशोका होटल में हुआ था, इजाज भाई भी वहां परफॉर्म किए और बारह, ये एक सिस्टम से तरीके से होता है, हम लोग आपको जोर दिया कि हम मार्केटिंग पे जोर देते हैं कि हम ब्रांड को लेकर आए सामने ताकि एक्सप्लोर कर सके, इंडिविजुअल्स पे कोई सौदा नहीं करते हैं और ना करेंगे, वो ब्लड में नहीं है और ना ऐसा होगा। रही बात एल्बम फिल्म बनाने की, तो वो मैं नहीं करता हूँ, वो हमारी कंपनी का खुद का न्यूज पेपर आता है डेली 3, हमारी कंपनी की मैगजीन आती है कॉर्पोरेट टुडे, मुंबई मूड्स, ये सब हमारे खुद के ब्रांड्स हैं और हमारी कंपनी चैंपियन स्पोर्ट्स इंटरटेनमेंट जो है वो स्पोर्ट्स खेल का आयोजन करती है यहाँ से लेके बाहर देशों तक, स्पोर्ट्स गेम करती है, बड़ी बड़ी हॉर्सेस का गेम है, कैमल गेम है, क्रिकेट है उसके अंदर, ये हमारी कंपनी का एक अलग पार्ट है जो वर्ल्ड वाइड करते हैं, जैसा कैमल जानते हैं खाड़ी देशों का है वो जानवर, लेकिन वो आया अमेरिका से है, तो अभी हमने कैमल गेम लाया, कैमल रेसिंग, कैमल आपका पोलो और कैमल सो जंपिंग, ये गेम हमने लाया, कैमल जो है 40 साल की उसकी उम्र होती है, 5 दिनों तक बगैर खाए पिए वो सफर करने में सक्षम है, तो उस जानवर को भी हम लेके आए, अभी ऑस्ट्रेलिया में उसको शूट कर दिया था, मार दे रहे थे लोग, तो हमने अभी ओमान की हुकूमत से बात करी और वो वहां से अपलिफ्ट करके ओमान की गवर्नमेंट उसको पार पहुंच रही, बोली उसको मत मारो, तो अभी ओमान में हम लोग एक गेम भी करने जा रहे हैं कैमल प्रीमियर लीग, बहुत मजा आएगा आप लोग, हम लोगों ने वही काम किया अली भाई, हम सब लोगों की एक मिट्टी बहुत जरखेज है, जहां से आया हूँ एक शेर सुन लीजिए, जला के खून दिल अपना जमाने को हंसाते हैं, मेरे अल्फाज दीमक है उदासी चाट जाते हैं, तुम अपना गम मुझे दे दो बड़ा एहसान मानूंगा, ये पेशा खानदानी है हमें ही काम आते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मुनव्वर जीत गया, मैंने बोला तो था मुन्ना जीतेगा, मुन्ना जीत गया, देखो जब तुम तरक्की पे जाते हो सक्सेस तो हाथी चलता है कुत्ते भोकते और इल्जाम तुम पे लगते हैं, ऐसे इल्जामों का कोई नहीं, जो जीत गया वो जीत गया बस। अभी भी बहुत हॉस में गए थे, आप पर भी काफी सारे इल्जाम लगा था, कौन सा इल्जाम रे मेरे पे, काफी सारे इल्जाम, कौन सा इल्जाम लगा मेरे, कौन से इल्जाम, इल्जाम तो बता, वो इल्जाम नहीं है तू मीडिया वाला, मैं बोल देता हूँ सुन लगा मैं कर रहा हूँ इस बार, हमारे दिलीप भाई इतना सॉलिड गाते हैं, ये गाते भी बहुत अच्छा है, बजाते भी बहुत अच्छा है, माइंड ब्लोइंग, बजाने भी इतना लोग हंसे क्यों, हारमोनियम हारमोनियम तबला हो गया, आजकल सोशल मीडिया से ये तीनों वायरल, अभी सुबह तक शाम तक अपन तीनों वायरल हो जाएंगे और देश के लोग ऐसे हैं कि जबरदस्ती कमेंट भी करने लगते हैं, अरे आप इतने सीनियर हो के ऐसी बात करते हो, आप ए तुम लोग के पास कोई काम धंधा है कि नहीं बे, इधर भी कमेंट करने लग जाते हो, आई एम टेलिंग यू, आई मीन गो डू सम वर्क, अपने आप पे काम करो बाबा, अपने आप पे काम करो, जब तुम किसी पे एक फिंगर उठाते हो तीन उंगलियां तुम पे उठती है, गो वर्क ऑन योर सेल्फ, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, अपने माँ बाप पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी गर्लफ्रेंड पे ध्यान दो, तुम नहीं दे पाएंगे तो फिर मैं दे दूंगा, आई एम जस्ट जोकिंग बट बी सीरियस इन लाइफ यू नो, Everyone, myself, Mini Bansal. I'm working as an actress and model in film industry. So, Taifa के साथ तो मैं season 10 से जुड़ी हूँ और मुझे शमीम जी ने
इनवाइट किया था और मुझे ट्रॉफी दी थी साइफा 10 की, और वो इतनी ब्यूटीफुल ट्रॉफी है ना, मैंने अपने बिल्कुल बेडरूम पे लगाई हुई है। सो आज जो मैं आई हुई हूँ स्पेशली कैलेंडर लॉन्च, तो आज मेरा जो फोटोग्राफ आया है वो कैलेंडर पे है, आया है टाइफा के। सो फाइनली आई एम वेरी थैंकफुल टू शमीम जी एंड टाइफा फॉर दिस प्रेजेंट। बहुत ज्यादा एक्साइटेड इंद्राणी तालुकदार, एक्ट्रेस इंद्राणी तालुकदार। मैं टाइफा से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन जब जब शमीम जी ने मुझे टाइफा के लिए इनवाइट किया, कुछ अनफॉर्चुनेटली मैं आ नहीं पाई, लेकिन इस बार टाइफा की जो कैलेंडर लॉन्च है उसमें ये मैं हूँ। देन टाइफा से मैं कैलेंडर लॉन्च मेरी फैब की इसमें मेरे से हुआ है। एंड लाइक मैंने बहुत सारी फिल्मों में एज अ लीड रोल में काम किया है, जैसे लतीफ़ नवाज़ सिद्दीकी की के साथ एंड अपनी शक्ति, बहुत सारी फिल्मों में एंड म्यूज़िक वीडियोस में मैंने काम किया है। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टाइफा के लिए जो 27 अप्रैल में होने जा रही है। टाइफा के साथ में दो साल हो गए मुझे जुड़े हुए, और टाइफा को मैं हमेशा इसलिए याद रखती हूँ कि टाइफा मेरे लिए पहला शो है जहाँ पे मुझे पहला अवार्ड मिला हुआ है। तो टाइफा को मैं दिल से मानती हूँ, दिल से जुड़ी हुई हूँ, दिल से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि टाइफा वहाँ पहुँच जाए जहाँ पे हम सब पहुँचना चाहते हैं। तो ये बेस्ट पार्ट टाइफा का ये है, शमीम भाई का ये है कि वो जो न्यू कमर है, जो न्यू एक्ट्रेस जो बनना चाहती है, कुछ उनको बहुत अच्छे से प्रमोट करते हैं, बहुत अच्छे से उनका ख्याल भी रखते हैं। तो दिल से मैं थैंक यू बोलूँगी टाइफा और शमीम भाई को। को बहुत सालों से जानती हूँ, 2-3 सालों से, बट पहली बार मौका मिला है मुझे उनके साथ कुछ करने को, और आज मैं यहाँ पे हूँ कैलेंडर के लिए। मैंने हालांकि कैटलॉग, ज्वेलरी, प्रिंट शूट वगैरह बहुत सारे किए, एक म्यूज़िक वीडियो भी किए, अभी बहुत सारे ऑफ़र आ रहे हैं, करूँगी इंशाल्लाह, आप लोग की दुआ रहेगी तो जरूर। हर साल हम लोग कैलेंडर लॉन्च करते हैं जनवरी के महीने में, तो जनवरी आपको मालूम है कल लास्ट होने वाला था, तो इसके लिए हमने आज उसका बेनिफिट उठाया। और आप कैलेंडर पे भी देखेंगे कि कैलेंडर्स पे जितने भी एक्ट्रेस हैं वो भी अपनी सफलता के शिखर तक जाने के लिए फाइट कर रही है। मैंने आपको बोला था कि हम प्रतिभाओं को तराशते हैं और तराशते हैं, वो हमारी कोशिश रहती है, और दूसरे जिन्होंने बहुत कुछ किया इंडस्ट्री के लिए उनको हम ट्रेस करते हैं, तो तलाशते हैं ट्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब लोग कलाकार हैं, इन्होंने अपनी अपनी प्रतिभाओं के लिए संघर्ष करे और कुछ अच्छे काम भी किए, तो ये कैलेंडर पे जगह मिलने का मतलब है कि इनका हौसला बढ़ेगा और आप लोगों के जरिए इनको एंडोर्समेंट मिलेगी, लोग पहचानेंगे। और भी एक मकसद था, तो हमने 12 अपने मॉडल्स एक्ट्रेस को इस पर जगह दिया है जो इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, कोई संघर्ष कर रहे हैं, कोई सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं स्लोली स्लोली। हमारे ईश्वर से शुभकामनाएं हैं उनके लिए कि वो अपने कामों में और सफल हो, ईश्वर उनको सफलता दे। इस कामना के साथ टाइफा कैलेंडर हमने यहाँ पर आज लॉन्च किया और साथ में ट्रॉफी अनवेल करी। ये एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, हमने कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं किया, लेकिन हम जब आयोजन करेंगे बहुत बड़ा होगा। ये आप लोगों से रूबरू होने का मकसद था, और कहते हैं ना कि आप काम इतना खामोशी से करो कि दुनिया ने तहलका मचा दे आपका काम, तो इंशाल्लाह वो मचाएगा, और कर रहे हैं हम, आप लोगों का साथ और सपोर्ट चाहिए। हाँ, बस हमारे दो फंदा है जिंदगी का कि जो आपकी पहुंच तक इजी हो, कोई बहुत बड़े लोग हो और हमारे साथ वो आ ही नहीं रहे हैं तो हम उनको जगह देख के क्या फायदा, वो हमें पहचानेंगे नहीं, हमारे तक आएंगे नहीं। लेकिन सबसे पहला जो हमारा उसका लॉ रहता है वो ये होता है कि हम जिसको ट्रेस कर रहे हैं क्या वो प्रेजेंट है, उनकी अवेलेबिलिटी है, वो अपनी सहमति दे रहे हैं हमारे कामों के साथ, तो जिनकी सहमति होती है हम उनको ले लेते हैं।
बहुत से लोग हैं बहुत सफलता की तरफ हैं, उनके पास समय नहीं है, वो टाइम नहीं दे रहे। पहला हमारा जो सोर्सेज होता है कि क्या वो प्रेजेंट है, उनकी सहमति है। जिनकी सहमति थी हमने 100-200 लोगों में से 12 लोगों को उसमें चिन्हित किया और चयन किया, नॉमिनेट करके वो कैलेंडर पे आए। और वैसे भी कहते हैं बात होनी की होती है जिनमें बात होती है, ऐसा नहीं है कि अगर 200 बंदे और अवेलेबल है लेकिन कुछ तो बात होना बहुत जरूरी है। Yes. और वो आप कह रहे थे कि कहां से मिला कैसे मिला, ये कॉन्फ्रेंस ये कहने का यही था कि भैया मैं तो अकेला ही चला था और लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। सो टाइफा की जो जर्नी रही है 12 साल से नॉन स्टॉप अवार्ड्स करना, 24 साल से बड़े बड़े अगर से जो मैं आपको सामने यहाँ नहीं बोल रहा हूँ लेकिन हम लोगों के इनकार से ही बोला सिल्वर जुबली बना चुके हैं। हाँ, अगर लेना चाहिए नहीं नहीं लेना चाहिए G20 के शोज करना हम लोगों ने जब बताया ना आपको विज्ञान भवन गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के अंदर शोज करना गवर्नर जी के सामने, तो टाइफा एक बहुत बड़ा नाम इसलिए बन चुका है क्योंकि प्रवास मीडिया ग्रुप हमेशा फोकस करता है एक तो राइट टाइम राइट प्लेस राइट पीपल शुड ऑलवेज गेट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड इफ नॉट गेटिंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी देन योर टैलेंट इज वेस्ट। देखिए उदय राजवीर बैठे ये भी उभरते हुए सितारे, एक दिन इनका भी ऐसा नाम होगा टाइगर श्रॉफ के आसपास होंगे। हम लोग कोशिश देखिए कोशिश करने में सफलता मिलती है और आप अगर जिद रखते हो तो आपको जुनून के साथ आपको सक्सेस मिलेगी। जिद रखिए सफलता के लिए। हमारे राइट लेफ्ट में जो कलाकार बैठे हैं इन्होंने भी अपनी संघर्ष के साथ काफी काम किया, इन्होंने बहुत कैमरे फेस किए, कितने सारे फिल्में वेब सीरीज एल्बम्स आपकी भी मिनी बंसल जी की इंद्राणी की भी हुना शेख की भी सबके आ रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश है और हमारे लिए आप लोग पता भी लगा सकते हो कि मैं भारत की संस्कृति और भारत की तहजीब का एक सिंबल हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्धिस्ट पारसी, ठीक है। मैं उस पर कुछ लिखा भी हूँ, अगर आप लोग चाहो तो सुना दूँ, बड़ा काम आएगा। एक मैसेज है, हमने लिखा है कि श्रद्धा हिंदुओं से ले लो, श्रद्धा आस्था हिंदुओं से ले लो, लगन सिखों से ले लो, तहजीब मुसलमानों से ले लो, सेवा ईसाइयों से ले लो, वातावरण जैनियों से ले लो, शांति बौद्धिस्टों से ले लो, तरहन पारसियों से ले लो, भारत को प्रेम करो, यही हमारी संस्कृति है। तो ये हम इंसानियत के पैरोकार और इसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो हम सदा हम आपकी बात में मोहब्बत करते हैं, बल्कि हमारे अवार्ड की कैटेगरी में जो है बॉलीवुड जर्नलिस्ट भी रखा है, फोटो जर्नलिस्ट भी और जर्नलिस्ट भी, दो कैटेगरी हमने दिया है आप लोगों के लिए भी, और साथ में इन्फ्लुएंसर भी जोड़े हैं आज के जो सोशल मीडिया के लोग हैं, ये कैटेगरी हमने तीन बढ़ाए हैं अपने अवार्ड्स। सो वी आर हियर टू प्रोवाइड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन जो जो अपनी इंडस्ट्री के अंदर कर रहा है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो फोटोग्राफर हो, चाहे वो फिल्म जर्नलिस्ट हो, सबको इक्वल दर्जे का सम्मान मिलना चाहिए, पहले से डेट मिलना चाहिए। ये नहीं कि आज आईफा वाला अगर सिर्फ एक ट्रॉफी बेस्ट एक्टर को दे देता है, कितनी बड़ी टीम है आज आप मीडिया इतनी देर से आप 6 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं, इतने बारी 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 कैमरास लेके खड़े हैं, ये नहीं है तो आप आगे लोगों के तक कैसे पहुंचेंगे। थैंक यू। सो कहानी ये है कि यार जो जो डिजर्विंग है उसको उसका हक मिलना चाहिए, यही टाइफा की नींव है, यही थी और यही रहेगी। थैंक यू वेरी मच। आप लोग चाय कॉफी, आप लोगों ने साथ दिया, आप लोगों का बहुत आभार। चाय कॉफी लेके फिर आप लोग जाए।